इस रूट में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 1, और हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि पावर में हिस्सेदारी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछले साल भी पढ़ा था, यानी क्लास 9th में भी पढ़ा था। और हमने यह नोट किया था कि डेमोक्रेसी में सभी पावर जो होते हैं एक सिर्फ एक आदमी के पास नहीं होती, या फिर इस एक ऑर्गन के पास नहीं होती किसी भी सरकार की। तो एक अच्छा जो पावर शेयरिंग ऑफ पावर जो होता है उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर किया जाता है, और ये डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और इसके अगले वाले चैप्टर में भी। तो देखिए, यहाँ पर हम बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो जगहों की कहानी पढ़ेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत, किस तरह से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए और किस तरह से डेमोक्रेसी चलाना सही नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे चैप्टर के कंटेंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम दिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका। तो हमें इन दोनों जगहों के बारे में पढ़ना है और इन दोनों जगहों पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको कंपेयर करना है, ताकि हमें डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखिए, बेल्जियम जो है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में, और अगर आप इसके इलाके की बात करें, साइज़ की बात करें, तो ये आपका जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है। और इसके बॉर्डर जो हैं वो लगते हैं आपके नीदरलैंड से, फ्रांस से और जर्मनी से। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपके 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, करीब आपकी जो हरियाणा की आबादी है उससे आधी। और यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप, तरह तरह के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में आप एथनिक कंपोजिशन बात करेंगे तो आप बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये एक तरह का एथनिक कंपोजिशन हुआ। फिर आप बात करेंगे यूपी के रहने वाले लोग, फिर महाराष्ट्रियन, तमिलियन, तेलुगु, या फिर इस तरह से एथनिक जो ग्रुप है लोगों का, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्लास है लोगों का, उसको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो वहीं अगर हम एथनिक कंपोजिशन हमने इंडिया का देखा, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका बेल्जियम है वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और मुकाबले हम देखें तो वहाँ की आबादी बहुत ही छोटी सी है, यानी करीब 1 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस पूरी आबादी में से, इस देश की पूरी आबादी में से 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, और ये डच लैंग्वेज बोलती है। और इसके बाद जो 40% आबादी है वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। और इसके बाद जो 1% आबादी बचती है वो बेलाइन रीजन में रहती है और जर्मन लैंग्वेज बोलती है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और अगर हम यहाँ के कैपिटल सिटी की बात करें, जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। तो यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है यहाँ का, यानी कि वो बेल्जियम की राजधानी का, उसमें 80% जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले लोग हैं, यानी डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पारा की ओर। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर ऑन। तो देखिए, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, यानी जो फ्रेंच बोलते थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और वहीं जो डच स्पीकिंग लोग थे, यानी जो लोग डच बोलना करते थे, वो उतने ज़्यादा अमीर नहीं थे और उतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। और इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच में कंपटीशन का भाव था, या फिर हम कह सकते हैं जलन का भाव, हम सिंपली समझे तो। और क्योंकि डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या फिर जो डेवलपमेंट हुआ देश में उसका फ़ायदा लेट से मिला, और पूरे एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा लेट से मिला। इस वजह से जो डच बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया आपके 1950s और 1960s में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। तो देखिए, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन हुआ वो आपके ब्रसेल्स में और भी ज़्यादा था। उसका रीज़न ये था कि ब्रसेल्स, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ की परेशानी थोड़ी अलग थी। उसका रीज़न ये था कि देखिए, जो डच स्पीकिंग लोग थे, यानी डच बोलने वाले लोग थे, जो कि पूरे देश में 60% थे, लेकिन इस राजधानी में सिर्फ 20% थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर आप देखेंगे तो 20%
20% आबादी डच बोलने वाले लोग थी, और वहीं जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे पूरे देश में उनकी आबादी 40% थी, यानी वो माइनॉरिटी थे। लेकिन जब हम राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वहाँ पूरी तरह से वो डोमिनेंट थे क्योंकि उनकी आबादी वहाँ पर 80% थी। तो अब हमने देख लिया बेल्जियम के बारे में, अब हम इसको कंपेयर करते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के साथ। तो देखिए श्रीलंका का भी जो स्ट्रक्चर है वो आपका बेल्जियम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और श्रीलंका एक तरह का आइलैंड नेशन है, यानी कि उसके जमीनी जमीन के हिसाब से उसका कोई पड़ोसी मुल्क नहीं है। और श्रीलंका के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो हमारा एक पड़ोसी देश है, और अगर आप ये भी जानते होंगे कि वो तमिलनाडु के तट से थोड़ा सा दूर है, और वहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ है, 2 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं। और इसको भी आप कंपेयर करें तो ये हरियाणा में जितनी आबादी है उतनी ही आबादी है। तो साउथ एशिया रीजन में, यानी कि जो इंडिया का जो रीजन है, इंडिया के आसपास जो देशों का रीजन है, बिल्कुल उसी तरीके से श्रीलंका जो है उसका पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, यानी बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग या फिर बहुत अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो श्रीलंका में जो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, यानी जो मेजर सोशल ग्रुप है, वो है सिन्हला स्पीकर, यानी जो लोग सिन्हला लैंग्वेज को बोलते हैं, और उनकी आबादी है 74%, वो 74% है। और इसके बाद तमिल स्पीकर्स लोग हैं जो कि तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, जिनकी आबादी है 18%, 18% लोग वहाँ के तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए तमिल लोग जो हैं, यानी जो तमिल भाषा बोलते हैं, उनके बीच में 2 तरह के ग्रुप्स हैं। पहला जो तमिल नेटिव हैं, यानी कि जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं और तमिल बोलते हैं, और दूसरा जो इंडिया से गए हुए तमिल हैं वो। तो यहाँ देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये मैप दिखाना चाहूँगा, ये मैप बेल्जियम का है। तो बेल्जियम में यहाँ पर जो आपका येलो रीजन है, येलो ये डिज़ाइन है यहाँ पर, ये जो रीजन है यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं इस रीजन में, और जो हमारा रेड रीजन है ये पूरा यहाँ पर आपके क्या कहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और ये जो छोटा सा डैश किया हुआ ये रीजन है यहाँ पर, और हाँ यहीं पर, यहाँ पर आपको जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। और यहाँ हम राजधानी की बात करें यहाँ पर, तो ये राजधानी है ब्रसेल्स। तो ये हमने देख लिया बेल्जियम का, कि देखिए ये दोनों अलग 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 दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम श्रीलंका की बात कर रहे थे। श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वो 2 कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड हैं, आपका श्रीलंकन तमिल्स, यानी जो नेटिव वहाँ के रहने वाले लोग हैं तमिल जो बोलते हैं, और दूसरा जो इंडिया से गए हुए लोग हैं वो। तो देखिए इंडिया से लोग गए क्यों थे, जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर, श्रीलंका पर, इस पूरे रीजन पर, तो उस समय में प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में इंडियंस को ले गए थे वो तमिलनाडु से और दूसरे रीजन से। तो ये लोग जो थे ये तमिल बोलते थे, और यही लोग आगे चलकर वहाँ पर इंडियन तमिल कहलाने लगे। तो देखिए नीचे मैप की यहाँ पर बात की जा रही है कि श्रीलंकन तमिल जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं नॉर्थ और ईस्ट कंट्री के, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में। जो मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वहीं जो तमिल जो रहने वाले, तमिल जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदूज हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। और इसके अलावा करीब 7% आबादी है क्रिश्चियंस की, जो कि तमिल भी हैं और सिन्हला भी हैं। तो देखिए आप अगर दोनों जगहों के जगहों सिचुएशंस को हमने देख लिया, बेल्जियम के सिचुएशन को और हमने श्रीलंका के सिचुएशन को देख लिया, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके के सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो अपने संख्या बल का फ़ायदा उठा सकती है, यानी कि जो उसकी संख्या बल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका फ़ायदा उठा सकती है, एडवांटेज उसका ले सकती है, और अपने अपने मन को, यानी कि जो वो चाहती है वो उसको फोर्स कर सकती है फ्रेंच लोगों पर और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनके ऊपर। तो देखिए ये जो चीज़ होगी ये दोनों कम्युनिटीज़, तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा, और ये एक तरीके का पूरे कंट्री में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब दो कम्युनिटीज़ इतने लार्ज स्केल पर एक दूसरे से फाइट करेंगी तो वो एक साथ फिर रह ही नहीं सकती है। और वहीं अगर हम बात करें आपके श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी थी या फिर अभी भी है, उनकी जो आबादी है वो आपके जो डच लोग हैं ब्रसेल्स, सॉरी बेल्जियम में, उसके मुकाबले और भी ज़्यादा है। तो इनके पास और भी ज़्यादा चांसेस है कि ये अपने
मन को दूसरे लोगों पर आसानी से थोप सके, यहाँ तक कि पूरे कंट्री पर थोप सके, इस तरीके का यहाँ का स्ट्रक्चर है, यानी कि श्रीलंका का स्ट्रक्चर है। तो अब हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या इन दोनों जगहों पर, और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म यानी कि वहाँ पर जो बहुसंख्यकवाद है उसके बारे में पढ़ना है। और आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, यानी कि इस टॉपिक को। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एक तरीके से, जहाँ पर हमने श्रीलंका के बारे में कुछ बातें जानी थी और बेल्जियम के बारे में कुछ बातें जानी थी। और इस वीडियो में हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में भी और बेल्जियम के बारे में भी, कि आखिर जो प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे, यानी जो डाइवर्स एक तरीके से पॉपुलेशन था जो कि अलग अलग कम्युनिटी से मिलकर बना था, उस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इन दोनों देशों ने क्या कहते हैं टैकल किया और किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो आइए सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में देखने वाले हैं। श्रीलंका में टॉपिक है हमारा मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका। तो देखिए, श्रीलंका ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुसंख्यकवाद का किस सिद्धांत को फॉलो किया, यानी कि वहाँ पर जो सिन्ला कम्युनिटी थी जो कि करीब 74% थी, 74% उसकी जो बातें थी उसको पूरे देश पर थोप दिया, यानी कि जो तमिल स्पीकर्स लोग थे उनको वही बातें माननी होगी जो कि ये 74% लोग कहेंगे, जो उनकी जो अपनी कल्चर थी उसको छोड़ना पड़ेगा और इसी कल्चर को, इसी लैंग्वेज को सब चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1948 में आया था, यानी कि इंडिया के एक साल बाद आज़ाद हुआ था। और जो सिन्ला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, सिन्हा जो लैंग्वेज है तो उसके कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने चाहा कि जो सिन्हा कम्युनिटी है या फिर जो सिन्हा बोलने वाले लोग हैं उनका गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस हो, और उसको पुख्ता करने के लिए यानी कि डोमिनेंस बनाने के लिए उन्होंने कई मेजर्स लिए। और एज अ रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए ताकि जो सिन्हा कम्युनिटी है या फिर जिस जो सिन्हा लैंग्वेज है उसकी सुप्रीमेसी पूरे देश में बन जाए। तो देखिए, 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि जो सिन्हा लैंग्वेज है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड किया गया, उसकी अहमियत को कम की गई और उसे सरकार में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफ्रेंशियल पॉलिसीज़, यानी गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रिफ्रेंशियल पॉलिसीज़ लिए जिसमें कि जो सिन्हा बोलने वाले लोग थे अगर वो अप्लाई करते किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स या फिर किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर उन्हें बहुत तरह के क्या कहते हैं फेवर दिए जाते, जैसे उनका सिलेक्शन पहले होगा से उन्हें अहमियत दी जाएगी, उनके जॉब्स अच्छे होंगे, इस तरीके के बहुत तरह के उन्हें फेवर दिए गए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो देखिए, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें भी सरकार ने बुद्धिज्म को सरकारी एक तरीके से धर्म के रूप में घोषित किया, क्योंकि जो सिन्हा कम्युनिटी थी उसमें ज़्यादातर जो सिन्हा बोलने वाले लोग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वहीं जो आपके तमिल बोलने वाले लोग थे वो या तो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, या फिर आपके बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुसंख्यकवाद है वो हर तरीके से लागू किया गया, सिर्फ वो आप लैंग्वेज के रूप में नहीं, यहाँ पर धर्म के रूप में भी देख सकते हैं कि धर्म को भी एक तरीके से थोपा गया था जो माइनॉरिटीज़ थे उनके ऊपर। तो यहाँ मैप में आप जैसे देख सकते हैं श्रीलंका का मैप यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो येलो रीजन है यहाँ पर जो सिन्हा बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं ज़्यादातर, और ये जो आपका डार्क ब्राउन है वहाँ पर इंडियन तमिल रहते हैं, और ये जो लाइट ब्राउन है यहाँ पर आपके श्रीलंकन तमिल रहते हैं, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर बनाए गए हैं इन डॉट्स वाले जगहों पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो ये जो गवर्नमेंट द्वारा मेजर्स लिए गए या जो कि लगातार लिए जा रहे थे, पहले तो उन्हें लैंग्वेज को मान्यता ही नहीं दी गई, उसके बाद जो सिन्हा बोलने वाले लोग थे उनको प्रेफरेंसेस दिए गए, उसके बाद बुद्धिज्म को केवल मान्यता मिला एक तरीके से सरकारी धर्म के रूप में। तो ये जो चीज़ें हुई, ये लगातार जो चीज़ें हुई, इन्होंने इन चीज़ों ने श्रीलंकन जो तमिल थे या फिर जो इंडियन तमिल थे उनके फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, और उनको ये
एक तरीके से भाव आया है कि जो सरकार है वो हमारे फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है, या फिर जो पार्टीज हैं जो कि बुद्धिन सिन्हा लीडर्स द्वारा लीड की जाती है, वो उनके लैंग्वेज या फिर उनके कल्चर को लेकर उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो और उन्होंने महसूस किया कि दे फेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम फ्रॉम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, इग्नोर देयर इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो उन्हें लगने लगा, जो इंडियन तमिल या फिर श्रीलंकन तमिल थे, उन्हें लगने लगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने जो एक तमिल पीपल है यानी कि जो तमिल आदमी है उसको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, चाहे वो जॉब्स में हो या फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, तो इसके परिणाम स्वरूप जो रिलेशन था एक सिन्हला व्यक्ति में और तमिल, एक तमिल व्यक्ति में, व्यक्ति नहीं कह सकते कम्युनिटीज़ में, यानी जो सिन्हला कम्युनिटी थी और तमिल कम्युनिटी थी, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन गई, यानी उनके रिलेशन में काफ़ी तनाव आ गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो देखिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्हें लगने लगा कि देखिए जो ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं श्रीलंका के जो कि लीड किए जाते हैं बुद्धिस्ट सिन्हा लीडर्स द्वारा, वो हमारे बातों को नहीं मानेंगे, अब हमें कुछ अपना ही करना होगा। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च किए और स्ट्रगल्स करना शुरू किया, जहाँ ताकि जो तमिल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, और जो रीजन्स है जहाँ पर जो इंडियन तमिल या फिर आपके जो श्रीलंकन तमिल वो रहते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले और अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी मिले, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, जॉब्स के फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में। और उनकी जो डिमांड थी ऑटोनॉमी को लेकर कि जो प्रोविंसेज हैं उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा मिले, तो ये इसको बार बार डिनाई कर दिया गया, इसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया, इसको नहीं माना गया। 1980s आते आते तक तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें बनाया गया ताकि एक तमिल स्टेट, अलग एक तमिल स्टेट का डिमांड कर सके वो, यानी एक अलग देश बनाने की बात चलने लगी, और इसे कहा गया तमिल इलम, यानी कि तमिल स्टेट, और ये बनाने की बात हो रही थी नॉर्दर्न श्रीलंका में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। और तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे पर विश्वास इन्होंने खो दिया था, और ये एक दूसरे को एक तरीके से अलग होना चाहते थे, हम सिन्हालीज उतने अलग नहीं होना चाहते थे लेकिन इनको दबाना चाहते थे, लेकिन ये जो तमिल लोग थे ये चाहते थे कि उनके फीलिंग्स को हर्ट ना किया जाए, उनके फीलिंग्स को वैल्यू मिले और उनके लैंग्वेज को एक तरीके से सरकारी दर्जा मिले, और उनके उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब या इन जगहों पर वो खत्म हो। तो ये जो एक दूसरे के खिलाफ हेटर्ड की भावना थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई आगे चलकर, और ये एक तरीके का वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट बन गया, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बन गया, और बहुत ही जल्दी ये चीज़ एक सिविल वार के रूप में बदल गई, और इस सिविल वार का रिजल्ट ये हुआ कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, चाहे वो तमिल कम्युनिटी के हों या फिर सिन्हला कम्युनिटी के, दोनों कम्युनिटीज़ के हजारों लोग मारे गए, और बहुत सारे फैमिलीज जो थे उनको फोर्स किया गया कि आप इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं और रेफ्यूजी के रूप में रहने लगें, और बहुत सारे लोग जो थे उनको अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा। तो आप क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने बात की है श्रीलंका के एक्सीलेंट रिकॉर्ड के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ में, लेकिन ये सब जो सभी चीज़ें हुई थी उसको एक तरीके से सिविल वार ने बर्बाद कर दिया, और जो इकोनॉमिक लाइफ और जो कल्चरल सोशल लाइफ जो काफ़ी अच्छा हो चुका था श्रीलंका में उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इकोनॉमिक्स क्लास 10th का मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक बन भी चुका हो, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लें हमारे चैनल का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, और भी दूसरे मिल जाएंगे, चाहे ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री भी मैंने बनाए हैं क्लास 10th के, वो सभी में मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बात हो गई श्रीलंका के बारे में कि आखिर श्रीलंका ने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, या फिर अपने प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में, तो हमारा टॉपिक है बेल्जियम से रिलेटेड, एकोमोडेशन इन बेल्जियम।
तो देखिए जो बेल्जियन लीडर्स थे यानी बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने ये समझा और ये वो पूरी तरीके से समझ चुके थे कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उनको एक साथ रहना पड़ेगा और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको वैल्यू देना पड़ेगा, यानी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके जो कल्चर है उसको वैल्यू देना पड़ेगा और उनके जो लैंग्वेज या फिर जो रीजन्स अलग अलग हैं उनके बातों को वैल्यू देना पड़ेगा, तभी ये दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ एक देश में रह सकते हैं। तो इसलिए 1970 से लेकर 1993 के बीच में तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया ताकि इन दोनों तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में यानी जो जर्मन थे, फ्रेंच थे और आपके जो डच थे, इन कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके का अरेंजमेंट बन सके ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ एक कंट्री में रह सके बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। तो ये जो अरेंजमेंट था ये काफ़ी काम कर गया और ये एक तरीके से बिल्कुल अलग था जो कि अलग दूसरे कंट्रीज़ में अपनाया गया था और ये एक तरीके का बहुत ही इनोवेटिव तरीका था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइंट्स बताए गए हैं, बेल्जियन जो मॉडल है उसका एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होने चाहिए, चाहे डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनकी जो संख्या मिनिस्टर्स की वो बराबर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसके साथ ही सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो देखिए कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं जिसमें कि जो अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उन दोनों के लिए अलग अलग मेजोरिटी की रिक्वायर्ड होगी कुछ चीज़ों को लागू करने के लिए या फिर कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर हावी नहीं हो सकती है और कोई भी डिसीजन जो है वो बिना किसी सोचे समझे या फिर बिना किसी के परमिशन के नहीं ले सकती है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बिन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसमें कटौती की गई है और बहुत सारे पावर्स आपके स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, जैसा कि आप इंडिया में भी देखते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। और वहाँ पर एक और बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ये करो तो स्टेट गवर्नमेंट को वो करना जरूरी है, वो चाहेगी तो बात मानेगी चाहेगी तो बात नहीं मानेगी। तो इसके अलावा जो ब्रसेल्स है यानी कि जो राजधानी है उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट है उसके लिए, जहां पर जो कम्युनिटीज़ हैं दोनों कम्युनिटीज़ यानी कि जो डच और फ्रेंच हैं उनको उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यानी बराबर संख्या में वो बैठते हैं, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया ब्रसेल्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि फ्रेंच की आबादी वहाँ पर 80% थी और जो डच थे उनकी आबादी 20% थी। तो देखिए फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल के लिए अपनाया क्योंकि जो डच लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपनाया था पूरी कंट्री के लिए यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए। तो यहाँ पर एक आपको फोटो दिया गया, इस फोटो में दिखाया गया कि एक स्ट्रीट एड्रेस है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कोई भी बात लिखी गई है कोई भी एड्रेस लिखा गया है तो वो दो लैंग्वेज में लिखा गया है, वो फ्रेंच में भी लिखा गया है और डच में भी लिखा गया है। तो इस तरीके से सभी जगहों पर बराबर बराबर वैल्यूज़ दिए गए हैं दोनों लैंग्वेजेस को और दोनों कम्युनिटीज़ को। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और तरीके का गवर्नमेंट चलता है वहाँ पे जो बेल्जियम है वहाँ पर, इसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर डच लोग हैं तो केवल डच लोगों का एक गवर्नमेंट होगा जिसे कहेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच का एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा और जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं उनका एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन पावर रिगार्डेड कल्चर एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट है यानी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसके पास पावर है कि ये कल्चर से रिलेटेड फैसले ले सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड फैसले ले सकती है और लैंग्वेज रिलेटेड जो है फैसले ले सकती है। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। तो देखिए बेल्जियम जो मॉडल है उसको देख के आपको लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, चाहे आप बात करें यहाँ के लोगों के लिए या फिर बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स हैं
इन अरेंजमेंट्स ने आज तक बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, और इस अरेंजमेंट ने एक तरीके से जो सिविल वार की स्थिति थी या फिर सिविल प्रॉब्लम्स थे, जैसा कि श्रीलंका में हमने देखा, उस तरह के प्रॉब्लम्स होने से इन चीज़ों ने रोक दिया है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और जो कंट्री का डिवीज़न है उसको होने से भी रोक दिया है लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो जब यूरोप एक साथ आ रहा था और वो जब यूरोपियन यूनियन बना रहे थे, तो वहाँ पर हेडक्वार्टर के रूप में ब्रसेल्स को चुना गया, यानी जो बेल्जियम है उसकी राजधानी को चुना गया, क्योंकि एक तरीके का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक साथ रह सकती हैं और एक साथ गुजारा कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आखिर इन दोनों स्टोरीज से हमें सीखने को क्या मिलता है, चाहे हम बेल्जियम की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें। तो देखिए, दोनों जो हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन जो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग का टॉपिक हो, उसको दोनों ने अलग अलग तरीके से डील किया, अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि किसी भी देश का यूनिटी तभी बनाया जा सकता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के फीलिंग्स को एक तरीके से सम्मान दे और उनके इंटरेस्ट, जो उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के और रीजन्स के, उसको एक तरीके से वैल्यू दिया जाए। तो एक तरीके का जो रियलाइजेशन है, इस तरीके के रियलाइजेशन की वजह से एक तरीके का अरेंजमेंट बन चुका जहाँ पर लोग जो हैं वो पावर शेयर करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे के साथ जीने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका शोज एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। देखिए, श्रीलंका बिल्कुल इसके उलट एग्जाम्पल दिखाता है, जहाँ पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसने अपना डोमिनेंस एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर फोर्स करने की कोशिश की और पावर शेयर करने को एक तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये एक कंट्री के यूनिटी को अंडरमाइन करती हैं, कमज़ोर करती हैं, और ऐसा एक डेमोक्रेसी में ये पूरी सिस्टम सही तरीके से फॉलो नहीं होनी चाहिए, मेरा मतलब फॉलो नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही भी नहीं है। तो देखिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इस बात को भी लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है। तो देखिए, पावर शेयरिंग की अगर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ मान लीजिए एक देश में रह रहे हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग, अगर अगर अलग अलग डेमोग्राफिक के लोग एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में आपको कई सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग अलग है। तो अगर सभी को पावर नहीं मिलेगा तो लोग एक तरीके से रिवोल्ट करेंगे या फिर वो अपने फेवर में पावर का डिमांड करेंगे। तो इसलिए पावर शेयरिंग एक तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सभी लोग जो हैं वो एक साथ रह सकें और खुश रह सकें। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के पक्ष में दो बातें कही जा सकती है, दो रीजन्स दिए जा सकते हैं। पहला, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो देखिए, पावर शेयरिंग जो है वो एक तरीके का मेथड है जिसके ज़रिए हम आसानी से सोशल ग्रुप जो हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होने से रोक सकते हैं। जैसे इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, इंडिया में आप अगर किसी भी इलाके की बात कर लें तो वहाँ बहुत कम्युनिटीज़ को लोग रहते हैं। अगर आप जाति की बात कर लें तो 10, 50, 100 जातियाँ हैं। अगर आप अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो सभी स्टेट्स के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनके रिलीजन है, और अलग अलग तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं। तो उन सभी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए और उनके बीच में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, वो एक दूसरे के साथ खुश रहें, इसके लिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही मददगार होता है। क्योंकि सभी ग्रुप के पास, सभी व्यक्ति के पास अपना खुद का पावर होता है, इसलिए उसे किसी दूसरे से पावर डिमांड करने की या फिर उसके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो किसी तरीके का रिवोल्ट नहीं करता और वो अपने जगह पर खुश रहता है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो देखिए, जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, चाहे हम बात करें तो अगर जो दलित हैं और अपर कास्ट हैं उनके बीच की, या फिर हिंदू मुसलमान की बात करें, या फिर किसी और तरह के सोशल कन्फ्लिक्ट, या फिर जो श्रीलंका में आपने एग्जाम्पल देखा तमिलियन और जो सिनली लोग थे उनके बीच में, तो ये जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है ये वायलेंस को जन्म देता है और वायलेंस के बाद एक तरीके का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है और इस
पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, या फिर सरकार को या फिर पूरे देश को पॉलिटिकल स्टेबल बनाए रखने के लिए जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही इसमें मददगार होता है। तो आपने ऊपर एग्जांपल देखा था पिछले वीडियो में कि देखिए श्रीलंका में तमिल लोगों को सिर्फ शुरुआत में उन्हें उनका लैंग्वेज को पहचान नहीं देगी, राष्ट्रीय पहचान, उसके बाद बुद्धिज्म को एक तरीके का नेशनल धर्म बना दिया गया, तो उस वजह से जो माइनॉरिटी लोग थे वो एक तरीके का रिवोल्ट करने लगे और यहाँ तक बात आ गई कि वो दूसरा एक अलग कंट्री की मांग करने लगे। तो इस वजह से पावर शेयरिंग अगर वहाँ पर की जाती श्रीलंका में तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वहाँ जो लोग रह रहे थे वो हंसी खुशी एक साथ रह सकते थे। Imposing the will of majority community over others may look like attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. तो देखिए जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो बात यह कि मेजोरिटी कम्युनिटी के पास इतना पावर होता है कि वो आसानी से पूरे देश पर अपना अधिकार कर सकता है और अपनी बातों को मनवा सकता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर फोर्स कर सकता है कि वो उस बात को फॉलो करे। तो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों को ये लगेगा कि देखिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और हमारी बातों को सारे लोग मान जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो तुरंत आपको देखने पर लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जब लॉन्ग रन में आप बात करेंगे तो पूरा नेशन जो है वो बहुत ही डिवाइड हो जाएगा और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ सेफ नहीं फील करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो खुद को अलग पाएगा और हो सकता है कि वो अलग नेशन की डिमांड भी करने लगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से कभी भी हमें ये इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी बातों को हमेशा क्या कहते हैं फोर्स करें लोगों को फॉलो करने के लिए। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रियून टू द मेजोरिटी एज वेल। तो देखिए जो मेजोरिटी कम्युनिटी का एक तरीके से शासन हम कह सकते हैं, अगर उसकी बातों को मानना अगर फॉलो कर लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसी को सिर्फ परेशानी होगी और उसी को सिर्फ दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बल्कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी कई तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ये चीज़ें करें तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही खुश रहे और बहुत ही अच्छी तरह से रहे, वैसा हो नहीं सकता। वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी ये चीज़ें प्रॉब्लम लेकर आता है। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न व्हाई पावर शेयरिंग इज़ अ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो ये पहला रीज़न हमने देखा, अब हम दूसरा रीज़न देखते हैं कि आखिर जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है, पिछले क्लास में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में कि पावर शेयरिंग जो होता है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सभी लोगों से बातचीत करके सभी लोगों की मर्जी के हिसाब से कोई काम किया जाए। तो और अगर ऐसा हो नहीं रहा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर टू विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो देखिए डेमोक्रेटिक रूल का मतलब होता है कि देखिए पावर को उन लोगों के साथ शेयर किया जाए जो कि उस पावर से अफेक्ट होते हैं या फिर उसके जो उसका जो प्रभाव है उसके साथ रहने वाले हैं। जैसे कि अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो इंडिया में मान लीजिए सरकार को यह ऐसा फैसला लेती है जो कि जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व करती है, जनता से जुड़ी हुई फैसला लेती है, तो उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जरूरी है सरकार के लिए कि उन लोगों से भी कंसल्ट करे कि जो कि इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु को लेकर या फिर आपका मध्य प्रदेश को लेकर सरकार कोई फैसला लेती है कि हाँ जी यहाँ पर हम डैम बनाने वाले हैं या फिर यहाँ पर किसी भी तरह का हम काम करने वाले हैं, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं यानी कि वहाँ के जो विधायक हैं या फिर नगर पालिका है इस तरह के या फिर डायरेक्ट जनता से उसको कंसल्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी आप इस बात से खुश हैं या नहीं है, आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो देखिए उस इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है, इंडिया में उस सिस्टम में लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं, जैसे विधायक होते हैं, नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होती है, तो वो लोग जो हैं वो शुरुआती बात कर सकते हैं सरकार से कि हाँ जी देखिए हमारे लोगों को ये परेशानी है, इस तरीके की परेशानी होगी। अगर वो लोग भी मान लीजिए नहीं बात कर पाते हैं तो सरकार जनता से बात कर सकती है और जनता जो है वो सरकार को अपनी परेशानी बता सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें
होना बहुत ही जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। अ लेजिमिटेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। तो देखिए, एक अच्छा जो गवर्नमेंट होता है, यानी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर जो सिटीजन्स होते हैं वो सरकार के जो फैसले होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस पूरे सिस्टम में एक तरीके से हिस्सेदार बनते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये अच्छा सिस्टम है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकेंड एंड द सेकेंड मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन इम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो देखिए, यहाँ पर जो दो रीजन हमने देखे, पहला रीजन को हम कह सकते हैं कि वो बहुत सोचा समझा रीजन है और बहुत ही दिमाग लगाकर बनाया गया है कि पावर शेयरिंग जो है वो देश को कन्फ्लिक्ट से बचाएगा और किसी भी तरीके की परेशानी से बचाएगा और वहां पर एक तरीके का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा। वहीं जो दूसरा रीजन हमने देखा कि देखिए, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरीके का बेसिक रूल को फॉलो करता है डेमोक्रेसी का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्वॉल्व करता है किसी भी फैसला को इम्प्लीमेंट करने में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला फैसला दिमाग से लिया हुआ फैसला है और दूसरा फैसला जो है वो मोरल से रिलेटेड फैसला है कि हाँ जी देखिए, ये चीज़ जो होगा ये सही होगा, ये गलत होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मोरल का मैं यह समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या बात है, किस मोरल फैसला है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक कार्टून दिया गया है। इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है और जिसमें दो ड्राइवर्स बनाए हुए हैं ड्राइवर्स को बैठने का। इसका सीधा मतलब ये है कि देखिए, जर्मनी से ये रिलेटेड कार्टून है। जर्मनी में एक बार जो मेजर पार्टीज हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये दोनों जो पार्टीज थी ये बड़ी पार्टीज थी, इनको इनमें से किसी को भी बहुमत नहीं आया जो इलेक्शन हुआ उसमें। तो एक तरीके से ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन इन्हें कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा जहाँ पर इन दोनों को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली 2005 में। तो इन्होंने अलग अलग जो पॉलिसी मैटर्स थे, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, जैसे विदेश नीति पर क्या बात होगी या दूसरे चीज़ों पर क्या बात होगी, उन सभी बातों पर ये अलग अलग रुख रखते थे कि किसी का कहना था कि ये होगा, किसी का कहना था ये होगा नहीं। तो ये एक दूसरे से एक तरीके से एक दूसरे के बातों को मानते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जॉइंटली गवर्नमेंट एक साथ जॉइंटली सरकार बनाई ताकि जर्मनी में सरकार बन सके। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ रिलेशन है यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं इसको क्यों दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक लेटेस्ट रिवाइज दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको कुछ समझ में आएगी। और इसके बाद एक कहानी दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर चैप्टर के लिए भी। आप इसे पढ़ लें तो कुछ बातें आपको समझ में आएगी। इसके बाद टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में, यानी कि इस वीडियो में, और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पावर शेयरिंग के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि किस तरह से पावर शेयरिंग किया जा सकता है, कौन कौन से उसके रूप हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। तो देखिए, पावर शेयर नहीं किया जा सकता है। ये जो आइडियोलॉजी थी पहले सरकारों में चला करती थी कि पावर जो है वो एक जगह पर रहना चाहिए, इस आइडियोलॉजी के विरोध में या फिर उसके कह सकते हैं काउंटर एक तरीके से विचार के रूप में ये आइडिया आया है कि पावर को शेयर कर देना चाहिए। तो देखिए, बहुत लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये बिलीव किया जाता था कि सारा पावर जो है गवर्नमेंट वो या तो एक आदमी के पास होना चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होना चाहिए, यानी कि उसके कुछ खास आदमियों के पास। जैसा कि आप पहले मोनार्की देखते थे जहां पर सारा पावर या तो एक राजा के पास होता था या फिर उसके कुछ खास मंत्री होते थे जिसके पास होता था। तो ऐसा माना जाता था या फिर ऐसा फील किया जाता था कि अगर पावर को अगर बांट दिया जाए या फिर पावर को बहुत फैला दिया जाए, बहुत लोगों को अलग अलग पावर दे दिया जाए, तो क्विक डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होगी और कई बार हो सकता है कि
ये एक अलग तरह का फॉर्म भी ले ले, यानी कोई किसी को कोई पावर दिया गया है तो वो अपना एक अलग राज्य बनाने की कोशिश कर दे या फिर विद्रोह करने की कोशिश कर दे। इस तरह के भी कई बार ख्याल पहले रखे जाते थे। तो इसलिए पहले ये किया जाता था कि जितने भी पावर्स होते थे सरकार में वो किसी खास व्यक्ति के पास होते थे या फिर उसके कुछ खास आदमियों के पास होते थे, और जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में भी परेशानी होती थी और उन काम को कंप्लीट करने में भी परेशानी होती थी। इस वजह से भी सारे पावर्स को एक जगह पर रखा जाता था। लेकिन ये सभी जो बातें थी ये कि ऐसा नहीं हो सकता, पावर को एक जगह रखना चाहिए, इस तरीके के जो विचार थे ये पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं जब से ये डेमोक्रेसी की बात आई है लोगों के सामने, और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है ये जब से लोगों के सामने आया है। वन पीपल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डैट पीपुल आर सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। तो देखिए, डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में क्लास 9th फ्रांस वाला चैप्टर पढ़ा होगा या फिर जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th हिस्ट्री का है उसमें पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो बेसिक मतलब ही होता है कि जो सारा पॉलिटिकल पावर है वो जनता के हाथों में है। जनता सरकार चुनती है और उसी जनता सरकार इसलिए चुनती है ताकि सभी चीजों को गवर्न कर सके। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो देखिए, डेमोक्रेसी में जो जनता होती है यानी जो लोग होते हैं वो खुद के ऊपर शासन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी आपने सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री है या फिर कोई मंत्री है या फिर कोई विभाग है, तो आपने वो विभाग बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो विभाग आपके ऊपर शासन कर रहा है, आपने वो विभाग बनाया है ताकि आपको कुछ काम की ज़रूरत हो, कोई ऐसा काम करना हो जो कि आपके बस में ना हो, तो वो आदमी आपके लिए कर सके, वो विभाग आपके लिए कर सके, इसलिए आपने वो विभाग बनाया है, आपके पूरे समाज ने वो विभाग मिलकर बनाया है। तो ये डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग होता है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो देखिए, एक अच्छा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें जो अलग अलग ग्रुप्स हैं यानी अलग अलग कल्चर के लोग हैं या फिर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको वैल्यू दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और एक सोसाइटी में मान लीजिए कि अलग अलग व्यूज़ हैं कि नहीं देखिए ये जो विदेश नीति की चीज़ है इसमें ऐसा करना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो डेमोक्रेसी में सभी तरह के जो व्यूज़ होते हैं उनको वैल्यू क्या कहते हैं, उनको अपनी बात रखने का हक होता है और उनके बात को सुना जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहां पर सभी लोगों के पास एक वॉइस हो, यानी वो अपनी बातों को कह सकें और पब्लिक पॉलिसीज़ को या तो विरोध कर सके या फिर उसके समर्थन में बातें कर सकें, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ को लेकर दे सकें। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आगे करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो देखिए, इसमें सीधा कहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर है उसको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लोगों के बीच में बांट देना चाहिए, कुछ एक जगहों पर इसको कंसंट्रेट करके नहीं रखना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। लेट अस लुक एट हाउ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स है डैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो देखिए, आज के डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो बहुत तरह के फॉर्म्स ले सकता है, और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं या फिर कुछ अरेंजमेंट्स देखने वाले हैं जो कि हम आज यूज़ करते हैं अपने सरकारों में, या तो इंडिया के सरकार में या फिर दूसरे जगहों पर, या फिर आगे हो सकता है कि वो आएगा कहीं के गवर्नमेंट में। तो देखिए, पहला जो हमारा तरीका है पावर को शेयर करने का डिफरेंट लोगों के बीच में, वो सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर कर देना, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गई, इनके बीच में अगर पावर को आप शेयर कर रहे हैं तो ये भी एक पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। यानी सरकार के बीच या आपका जुडिशरी जो हो गया या फिर आपका कार्यपालिका जो हो गई, इन सभी के बीच में जो है पावर को शेयर कर दिया जाए और सभी अपना अपना काम देखें और किसी एक के पास इतना ताकत ना हो कि वो दूसरे के ऊपर अपनी बात को मनवाने का फोर्स कर सके। तो ये एक तरीके का पावर शेयरिंग है। तो देखिए, लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो देखिए, ये जो
फॉर्म है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई और जुडिशरी, ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इन दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर है या फिर जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर है, ये सभी जो है इक्वल लेवल पर हैं और ये सभी किसी के ऊपर अपनी बात को फोर्स नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो सेपरेशन होता है वो इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर उसके पास नहीं होगा और वो एक दूसरे की बातों को मानेंगे। अगर कोई ऑर्गन है वो गलत काम कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन जो है वो उसे रोक देगा। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार कुछ गलत फैसले ले रही है तो उसके खिलाफ आपका जो जुडिशरी है वो आ सकता है, या फिर और भी दूसरे जो ऑर्गन्स है वो आ सकते हैं, या फिर जुडिशरी कोई अगर गलत फैसले दे रही है तो उसके खिलाफ आपका सरकार खड़ा हो सकता है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जहाँ पर जो पावर्स हैं उसको सोच समझ करके डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड किया कर दिया जाता है। तो देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये एक बैलेंस क्रिएट करता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में पावर का बैलेंस क्रिएट करता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो देखिए, पिछले साल यानी कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि देखिए, डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो सरकार होती है उसके पास पावर्स तो होते हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन वो जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज में किसी भी राज्य में। सिमिलरली, ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो देखिए, जो जजेस होते हैं वो एक आपके क्या कहते हैं अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, लेकिन उनको अपॉइंट करने के बाद जो जजेज हैं वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे रोक सकते हैं, और लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उस पर भी वो अपनी नज़र रख सकते हैं। तो देखिए, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, जहाँ पर सभी जो हैं यानी जो सभी अलग अलग ऑर्गन हैं वो एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि कोई दूसरा किसी तरह की गलती ना करे। तब हम देखते हैं दूसरा तरीका जिसमें पावर शेयर किया जा सकता है, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो देखिए, इस फॉर्म में सरकार जो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है वहाँ पर पावर शेयर कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में आप देखते हैं कुछ पावर जो हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे विदेश नीति हो गई, सेना हो गया, या फिर आपका कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फैसला लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आपका जो सरकार है, आपके राज्य की सरकार है वो फैसला लेती है। और जनरल गवर्नमेंट ऑफ फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो देखिए, इसमें कंट्री के लेवल पर एक सरकार होती है, आपका प्रोविंशियल लेवल पर या फिर रीजनल लेवल पर एक सरकार होती है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो जनरली कहा जाता है कि यहाँ पर तीन लेवल में गवर्नमेंट चलती है, पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया और तीसरा आपका रीजनल गवर्नमेंट हो गया, जहाँ पर आपका क्या कहते हैं, आप अगर किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ का जो नगर पालिका है या फिर नगर परिषद है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग लेवल पर सरकार के पावर्स को डिवाइड करना एक तरीके का पावर क्या कहते हैं पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए, जो ये फॉर्म होता है जहाँ पर दो लेवल में या फिर तीन या फिर कई लेवल में पावर का शेयर किया जाता है, इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और इंडिया भी एक तरीके का फेडरल गवर्नमेंट है। इंडिया में आप देख सकते हैं कि एक यूनियन गवर्नमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं और उनका एक यूनियन है इंडिया। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग जगहों पर ये जो रीजनल गवर्नमेंट होते हैं उनको अलग अलग कहा जाता है। तो इंडिया में हम उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके से हम कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। तो देखिए, ये जो सिस्टम है ये सभी जगहों पर फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे, आपको शायद चाइना में भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पर यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, जैसे आपका साउथ कोरिया है या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन उन देशों में जहाँ पर हमारे देश की तरह सरकारों के लेवल अलग अलग हैं, और उन जैसे इंडिया में फेडरेशन है, उसी तरीके से जिन कंट्रीज़ में फेडरेशन है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली ये बात कहता है कि कौन सी सरकार के पास कौन कौन से पावर होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। दिस इज़ वाट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। तो आपने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा बेल्जियम और श्रीलंका का, वहाँ पर बेल्जियम को आपने देखा कि 4 बार अमेंड किया गया था बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि सभी लोगों को सेटिस्फाई किया सके और सभी लेवल पर पावर्स को एक अच्छी तरह से डिवाइड किया जा सके। लेकिन श्रीलंका में जब तमिल लोग ये डिमांड कर रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर उनको पावर मिलना चाहिए, तो श्रीलंका में इस चीज़ को नकार दिया गया था, और उसका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं क्या मिला था श्रीलंका की गवर्नमेंट को। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। तो ये जो पावर का शेयरिंग का जो फॉर्म है इसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर हम कहते हैं इंग्लिश में। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। तो देखिए यही जो चीज़ है, यही फॉर्म है गवर्नमेंट का पावर का, इसको छोटे स्तर पर भी हम लागू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारे म्यूनसिपालिटीज़ होते हैं और पंचायत्स होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया जो है वो 3 लेवल का गवर्नमेंट है, जहाँ पर एक लेवल पर म्यूनसिपालिटी या फिर पंचायत होता है, दूसरे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होता है, और एक यूनियन गवर्नमेंट होता है। तो इसी तरीके से आप हर एक स्टेट में देख सकते हैं कि उसको उसके भी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा कांटा छाटा गया है और बहुत अलग अलग जगहों पर दिया गया है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर। तो देखिए इसको एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हम कह सकते हैं, जहां पर एक गवर्नमेंट के नीचे दूसरा गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे तीसरा गवर्नमेंट होता है, और जो पहला एग्जांपल देखा था हमने उसके हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, जहां पर जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो देखिए पावर को हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में, ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा वो इस अरेंजमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन हम इंडिया में इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होता था जिसमें कि उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही वोट करते थे और सरकार बनाते थे, और वो वहाँ के एजुकेशन कल्चर उस स्पेसिफिक लैंग्वेज या फिर रिलीजन के एजुकेशन कल्चर को अरेंज करती थी। तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जहां पर जो सोशली वीक सेक्शन है और जो वोमेंस है उनको रिप्रेजेंट करने का, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये फॉलो कर एक तरीका है ये। जैसे कि इंडिया में भी आप देखते हैं कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां पर SC ST के लोग या फिर OBC के लोग सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी इसी तरीके का एक फॉर्म है, इसी तरीके का एक पावर शेयरिंग है, ताकि उन सभी कम्युनिटीज़ को जो कि एक तरीके से कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं या फिर अभी तक उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाया है, वो इस सिस्टम का यूज़ करके रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में हो और असेंबलीज़ में हो, ताकि उस समाज के जो लोग हैं वो भी सरकार के साथ खुद को महसूस कर सके, और जो एक डाइवर्स सोशल ग्रुप है सरकार के बीच में, डाइवर्स सोशल ग्रुप है और जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक तरीके की नज़दीकी बने और उनके बीच में किसी तरीके के ऐसा ना फील हो उन लोगों को कि सरकार हमसे दूर है या फिर सरकार हमारे बातों को ध्यान नहीं देती है या फिर हमें अहमियत नहीं देती है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो देखिए ये जो मेथड है ये जनरली यूज़ किया जाता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अच्छा एक पावर में कुछ शेयर मिले इस बात के लिए। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़। तो चैप्टर 3 में इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद लास्ट है हमारा 4th नंबर फॉर्म पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो देखिए पावर शेयरिंग को हम एक अलग फॉर्म में बांट सकते हैं। अभी तक तो हमने गवर्नमेंट के स्तर पर देखा, लेकिन अगर हम अब जनता के स्तर पर देखें, पब्लिक के स्तर पर, तो कोई भी व्यक्ति जो है
वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, प्रेशर ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है या फिर मूवमेंट को ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से इंडिया में आप देखें तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेडी है, जेडीयू है, एसपी है, बीएसपी है, बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी पावर में है, सरकार में है, वहीं जितने दूसरे पार्टीज़ हैं जो कि अपोजिशन में है, वो सरकार के ऊपर नज़र रख सकती हैं, सरकार के ऊपर कंट्रोल कर सकती है कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप न्यूज में देखते भी होंगे कि सरकार ने कोई अगर फैसला लिया तो उसका जो अपोजिशन के पार्टीज है वो उसका विरोध करते हैं, उसके सड़क पर उतर जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है, जहां पर अलग अलग ग्रुप के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं और सरकार के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं। तो देखिए आप यहां सोच रहे होंगे कि ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स एक तरीके के संगठन होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर कोई व्यापार समिति है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं एक शहर के, उन्होंने कोई संगठन बना लिया तो वो एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है। किसानों ने मिलकर एक संगठन बना लिया तो वो एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है। इसके बाद मूवमेंट्स भी आप देख सकते हैं, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था वो एक तरीके का मूवमेंट था, तो वो मूवमेंट भी सरकार के ऊपर वो कंट्रोल करने के लिए एक और सरकार के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका था, जिसमें लोग जो हैं वो अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे थे। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज among various contenders for power। तो देखिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो वेरियस कंटेंट पावर के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर सामने आ रहे हैं उनमें से किसी एक को चुनने का अधिकार हो। इन कंटेम्प्ररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज। तो देखिए जितने भी डेमोक्रेसीज हैं तो ये एक तरीके का कंपटीशन फॉर्म कर देता है डिफरेंट पार्टीज के बीच में। सच कंपटीशन इंश्योर डेट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो देखिए ये एक तरीके का अच्छा सिस्टम है जहां पर अलग अलग लोग जो हैं वो सरकार में आने के लिए या फिर अब सरकार बनाने के लिए कंपटीशन करते हैं। तो ये एक तरीके का कंपटीशन जो है ये इंश्योर करता है कि कोई भी पावर जो है सरकार का पावर या फिर किसी भी तरीके का पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ना रहे या फिर किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। तो देखिए लॉन्ग रन में देखें यानी बहुत सालों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी बहुत जो सरकार में रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग यहाँ पर जो पावर शेयरिंग होता है ये डायरेक्ट हो जाता है। वो कैसे? जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ते हैं या फिर सरकार बनाते हैं तो उनका जो गवर्नमेंट बनता है वो एक तरीके का कोलिशन गवर्नमेंट बनता है और जिसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पावर को शेयर करती हैं। जैसे अगर दो से तीन पार्टियों ने मिलकर अगर सरकार बनाया है तो वहाँ पर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मन के अनुसार बातों को नहीं रख सकती है या फिर नहीं करवा सकती है। डेमोक्रेसी में हम अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर प्रेशर ग्रुप्स पाते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स यूनियन या फिर बिजनेसमैन यूनियन, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना यूनियन बना लेते हैं, फार्मर्स होते हैं वो यूनियन बना लेते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो देखिए ये एक तरीके का इनके पास भी एक तरीके का शेयर होता है गवर्नमेंटल पावर में, क्योंकि इनके आने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, इनको अपने विरोध में नहीं करना चाहती है। इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस अदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये सभी जो ग्रुप्स हैं इनका भी सरकारी पावर में यानी गवर्नमेंटल पावर में एक तरीके का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि हो सकता है कि इनके कुछ मेंबर्स को गवर्नमेंट कमेटी में बुला लिया जाए या फिर इनका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है सरकार के ऊपर, यानी जो डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग होते हैं, जो प्रोसेस होता है उनके ऊपर, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर में इनका भी शेयर है। तो इन चैप्टर 4 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में और सोशल मूवमेंट्स के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।